हेलो एवरीवन दिस इज असद फ्रॉम विजन मैप उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे जो बच्चे बी ए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी बी बीकॉम बीबीए साइकोलॉजी इंग्लिश या फिर सोशोलॉजी के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं जिस भी इंट्रेंस में इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं तो आइए हम देखते हैं कुछ वन वर्ड इंपॉर्टेंट सब्सिट्यूशन तो आइए शुरू करते हैं अ मैच्योर हु प्लेज नॉट टू अर्न मनी बट फॉर प्लेजर जैसे कि देखिए बहुत लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं सिर्फ इन्जॉय करने के लिए वो कोई मनी वगैरह चार्ज नहीं करते हैं तो इसे हम एमेच्योर कहते हैं एमनेस्टी और जनरल पार्डन फॉर पॉलिटिकल कन्विक्स कोई पॉलिटिकल क्राइम अगर किसी ने किया हो तो उसे अगर सरकार की तरफ से माफ़ी मिल जाती है तो उसे हम एमनेस्टी कहते हैं नेक्स्ट इज एनोनिमस जिसकी कोई पहचान या फिर आइडेंटिटी ना हो उसे हम एनोनिमस कहते हैं अपोस्टेट वन हु लीव्स रिलीजन फेथ वैसा व्यक्ति जो अपना रिलीजन या फिर फेथ को छोड़ दे उसे हम अपोस्टेट कहते हैं एथिस्ट वैसा व्यक्ति जो कि गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता उसे हम एथिस्ट कहते हैं इसे हम हिंदी में नास्तिक भी कहते हैं एपडिकेशन एन एक्ट ऑफ एप्डिकेटिंग और रिनाउंसिंग थ्रोन किसी पद को या सत्ता को त्यागना उसे हम एप्डिकेशन कहते हैं नेक्स्ट इज एलमैक एन एनुअल कैलेंडर कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डेट्स एंड स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन सर्च इज एस्ट्रोनिकल डेट एंड टाइट टेबल्स एलमेनैक एक एनुअल कैलेंडर है जिसमें कि आपके एस्ट्रोनॉमिकल डेटा और टाइट टेबल्स से रिलेटेड जो है स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन होते हैं एम्फिबियन वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं उसे भी मोरल या फिर पॉलिटिकल मीनिंग को अगर आपको दर्शाना हो स्टोरी या पोइम के या फिर पिक्चर के माध्यम से तो उसे हम एलेगर कहते हैं नेक्स्ट इज बिगोड वन हुज रिलीजियस व्यू इज वेरी नैरोट का हिंदी जो है कट्टर होता है वैसा व्यक्ति जो कि अपने विचारों पर बहुत ही कट्टर हो उसे हम बाइकोट कहते हैं ब्लास्ेमी इंसल्ट ऑफ गॉड गॉड के इंसल्ट को ब्लास्ेमी कहते हैं बिब्ल्यू फोल ए पर्सन हु लव्स बुक वैसे व्यक्ति जो कि किताबें पढ़ना बहुत पसंद करते हैं उसे हम बिब्ल्यू फाइल कहते हैं क्रोनोलॉजी किसी भी इवेंट का जो है सीक्वेंस में औकर करना उसे हम क्रोनोलॉजी कहते हैं एक के बाद एक कोई इवेंट अगर सीक्वेंस में होता है तो उसे हम क्रोनोलॉजी कहते हैं क्रूसेड और विगरस कैंपेन फॉर पॉलिटिकल सोशल और रिलीजियस चेंज देखिए मध्यकाल में जो फलस्तीन में मुसलमानों के खिलाफ जो यूरोपियन क्रिश्चियंस हैं उन्होंने जो है जंग लड़ी थी खास करके और बहुत सारे क्रूसेट्स हुए हैं हिस्ट्री में तो ये आपको जो है क्रूसेट का मीनिंग है नेक्स्ट इज कैटलॉग अ लिस्ट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड कैटलॉग लाइब्रेरीज में आपने देखा होगा कैटलॉग का जो है लिस्ट टंगा होता है नेक्स्ट इज सिमेट्री इसे हिंदी में हम शमशान भी कहते हैं अ प्लेस वेयर डेड वंस आर बरीड इसे हम शमशान कहते हैं कॉन्सैंगिटी ब्लड रिलेशन खून का जिससे रिश्ता होता है उसे हम कॉन्सैंगिटी कहते हैं कॉस्मोपोलिटेन कम्पोज ऑफ थिंग्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आपने कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ के बारे में सुना होगा जैसे कि दिल्ली हो गया मुंबई हो गया हैदराबाद वगैरह हो गया ये जो है कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ है जहाँ के पूरे वर्ल्ड से जो है हर तरह के ट्रेडिशन कल्चर और जो मटेरियल्स आपको जो है मिल जाते हैं नेक्स्ट इज सिक वन हु डाउट्स एवरी गुड थिंग वैसा व्यक्ति जो कि हर एक अच्छे चीज़ पे डाउट करता है उसे हम सैनिक कहते हैं नेक्स्ट इज इपिलोग अ शॉर्ट पोइम स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ए ड्रामा किसी भी ड्रामा के ख़त्म होने के बाद एक शॉर्ट जो स्पीच देते हैं या फिर हम वोट ऑफ थैंक्स वगैरह जो होता है तो उसे हम इपलोग कहते हैं नेक्स्ट इज इमिग्रेंट वन हु लीव्स हिज और हर कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री देखिए इमिग्रेंट का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति जो है अपने प्लेस ए से प्लेस बी में जाकर के रहता हो और वो प्लेस ए को उसने छोड़ दिया हो तो उसे हम इमीग्रेंट कहेंगे लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्लेस ए से प्लेस बी में सिर्फ रहने के लिए जा रहा हो बिना प्लेस ए को छोड़े तो उसे हम इमिग्रांट कहते हैं उसे हम इमिग्रांट कहते हैं नेक्स्ट इज एक्सटेम्पोर स्पीच विदाउट प्राय प्रिपरेशन बिना पहले से तैयारी की स्पीच देने को हम एक्सटेपोर्ड कहते हैं नेक्स्ट इज यूथनेशिया किलिंग समवन सफरिंग फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज कोई व्यक्ति अगर कभी ना ठीक होने वाले बीमारी से जूझ रहा हो तो उसे मार देने को हम यूथनेसिया कहते हैं नेक्स्ट इज एसेंट्रिक अ मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट्स वैसे व्यक्ति जिसकी हैबिट्स नॉर्मल ना हो उसे हम एसेंट्रिक कहते हैं नेक्स्ट इज एक्जर्जन अ शॉर्ट जर्नी फॉर फन नेक्स्ट फास्टीडियस वेरी चूजी एंड हार्ड टू प्लीज वैसे व्यक्ति जो कि बहुत ही चूजी हो और जिसे जो जो मनाना बहुत मुश्किल हो उसे हम fastidious कहते हैं नेक्स्ट इज फेटलिज हु बिलीव इन फेथ नेक्स्ट killing किलिंग ऑफ वंस ओन ब्रदर इज कॉल्ड homicide होमिसाइड किलिंग ऑफ मैन एट मास इंसानों को एक बहुत बड़े पैमाने पर जो कत्ल किया जाए तो उसे हम होमिसाइड कहते हैं फिर एक होता है आपका जेनोसाइड जेनोसाइड किसी पार्टिकुलर रेस ऑफ ह्यूमंस को किल करने को हम जेनोसाइड कहते हैं फिर आपका एक और होता है इन्फेंटिसाइड इन्फेंटिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज नवजात शिशु को मारना जो है इन्फेंटिसाइड कहते हैं और फीमेल न्यू बॉर्न बेबी को मारने को फीमेल इन्फेंटिसाइड कहते हैं दीज आर वेरी हाइनेस्ट क्राइम्स आगे देखिए ऑनरेडी एन ऑफिस ऑफ पोस्ट विदाउट पे हॉस्पिटेबल वन हु लव्स टू एंटरटेन वन गेस्ट वैसे व्यक्ति जो कि गेस्ट को जो है बहुत आदर सम्मान करता हो उसे हम हॉस्पिटेबल कहते हैं नेक्स्ट इज इम्पोस्टर वन हु poses हिमसेल्फ एज समन ही इज नॉट Inaccessible, समथिंग विच कैन नॉट बी एक्सटेंडेड जिस चीज को आप फर्दर नहीं बढ़ा सकते हो उसे हम inaccessible कहते हैं Incorrigible, विच कैन नॉट बी करेक्टेड जिसे सही नहीं जिसे सही ना किया जा सके उसे हम incorrigible कहते हैं नेक्स्ट इज इम्पेरिज्म the पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज इम्पायर इम्पेरिजम क्या है ए पॉलिटिकल सिस्टम इन विच ए रिच एंड पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स अदर कंट्रीज यह एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें कि रिच और पावरफुल कंट्री जो है दूसरी कंट्री के ऊपर कंट्रोल करता है इनएविटेबल डैट कैन नॉट बी एवॉइडेड जिससे बचा ना जा सके जैसे कि डेथ जिसे कि बचा नहीं जा सकता इनएक्सप्लीकेबल विच कैन नॉट भी एक्सप्लेन जिसे एक्सप्लेन ना किया जा सके उसे हम इनएक्सप्लिकेबल कहते हैं इंट्रोक्सपेक्शन या फिर सेल्फ एनालिस दोनों एक ही चीज़ है. एग्जामिनेशन ऑफ वंस थाट्स एंड फीलिंग्स खुद के विचार के ऊपर व्यक्त करना इनवेंसिबल जिसे कि हड़ाया ना जा सके उसे हम इनवेंसिबल कहते हैं नेक्स्ट इज मार्टियर कोई वैसा व्यक्ति जो कि देश सेवा में जिसने जान गवाई हो या फिर किसी अच्छे काम के लिए जिसने जान गंवाई हो उसे हम मार्टियर कहते हैं मोनोगी मैरिंग विथ वन पर्सन और एक और होता है पॉलीगैमी मैरिंग विथ मल्टीपल पर्सनस मैरिंग विथ मल्टीपल पर्सन इज कॉल पॉलीगैमी नेक्स्ट इज नॉस्ट्रेलिया लर्निंग फॉर पास्ट पुरानी बीती बातों को याद करना जो है उसे हम नॉस्ट्रेलिया कहते हैं ऑमनी पॉटेंट वन हुरफुल डेट इज ऑल माइट ऑमनी प्रेजेंट वन हुज प्रेजेंट एवरीवेड जो हर जगह मौजूद हो उसे हम ऑमनी प्रेजेंट कहते हैं नेक्स्ट इज प्लेगरिज्म यूजिंग समवंस इल्स आइडियाज एज ओन किसी और के आइडिया को इस तरह इस्तेमाल करके दिखाना हो जैसे कि वो आपके आइडिया हों पॉलीगलॉड ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं वन हु नोस मल्टीपल लैंग्वेजेज वैसे व्यक्ति जिसे कई सारी भाषाएं आती हों पॉस्टोमस दैट ऑकर्स आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन आपने सुना हो कि हम अक्सर कहते हैं ही वॉज अवार्डेड पॉस्टोमसली यानी कि उसे डेथ के बाद अवार्ड मिला था पैटरीसाइड किलिंग ऑफ वंस ओन फादर इस कॉल पैट्री साइड इन विंसिबल वन डैट कैन नॉट बी डिफीटेड तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कई सारे वन वर्ड सब्सिट्यूशन देखे और भी वन वर्ड सब्सिट्यूशन हैं जो कि अगले वीडियो में आएंगे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए बाकी वन वर्ड सब्सोल्यूशन में जो है अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू